तो कैसे हो दोस्तों, मैं आज आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार टेक न्यूज लेकर आया हूँ। बस 5 मिनट के लिए अपनी इन उंगलियों को अपने स्क्रीन पर मत आने देना। मैं हूँ केतुल चावड़ा और मैं यहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ आज की धमाकेदार टेक न्यूज की तरफ। और यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट न्यूज की बात करूँ तो फर्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पे गूगल ऑटो की तरफ से। जी फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे गूगल मैप में नया अपडेटेड यूआई अवेलेबल हो चुका है। अगर आपने अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं किया तो सीधे गूगल प्ले स्टोर में जाइए और अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो यहाँ पे पूरा लुक चेंज हो चुका है। यहाँ पे बटन्स की बात करूँ, कुछ साइंस अवेलेबल है उसकी बात करूँ, या फिर यहाँ पे अगर मैं मेन्यू की बात करूँ तो वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे बटन सीधा स्क्वायर से सीधा राउंड हो गए और यहाँ पे जो मेन्यू है वो पूरी स्क्रीन नहीं रोक रहा है, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे अगर मैं सेकंड न्यूज़ की बात करूँ तो व्हाट्सअप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अभी तक कोई भी एनिमेटेड स्टिकर्स अवेलेबल नहीं हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेलीग्राम की, हाइक की, फेसबुक की, सभी के सभी प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे एनिमेटेड स्टिकर्स अवेलेबल हो चुके हैं। पर यहाँ पे व्हाट्सअप आपके लिए धमाकेदार अपडेट लेकर आने वाला है जिसके अंदर यहाँ पे एनिमेटेड स्टिकर्स अवेलेबल होंगे। आप यहाँ पे ग्रुप वीडियो कॉल के अंदर 8 लोग से ज्यादा कनेक्ट होते हो तो आपको एक पर्सनल ग्रुप चैट भी अवेलेबल की जाएगी। और यहाँ पे आप उस वीडियो कॉल के अंदर पर्टिकुलर किसी भी पर्सन की स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे एक बड़ा सा एडवांटेज ये है कि आपको किसी को भी अपना नंबर देने की जरूरत तो नहीं है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन अवेलेबल किया जा रहा है। अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो डायरेक्टली क्यूआर कोड सेंड कर लीजिए, डायरेक्टली बात कीजिए, आपका नंबर यहाँ पे सेफ रहेगा। और ये सभी अपडेट्स यहाँ पे व्हाट्सएप वेब में भी बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाली है। यहाँ पे मुझे कहीं पर भी व्हाट्सएप पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे थर्ड न्यूज की बात करूँ तो थर्ड न्यूज आ रहा है नोकिया की तरफ से। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे नोकिया 8.3 5G फोन बहुत ही जल्दी 15 सितंबर को अवेलेबल होने वाला है। यहाँ पे आपको ये फोन मिलता है पोलर नाइट कलर के साथ। यहाँ पे आपको 6.81 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले मिल रही है क्वाड कैमरा सेटअप में। यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा अवेलेबल हो रहा है और ये 5G फोन है। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। पर यहाँ पे ये फोन इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होने वाला, ये फोन स्विट्जरलैंड में लॉन्च होने वाला है। पर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये फोन यहाँ पे इंडिया में चाहिए इन चाइनीज फोन की अल्टरनेटिव्स में। और यहाँ पे फोर्थ न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S20 और बर्ड्स प्लस के BTS एडिशन की प्री बुकिंग इंडिया के अंदर अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आपको भी चाहिए तो जल्दी से जाइए सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर लीजिए प्री बुकिंग। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो बर्ड्स प्लस के प्राइस यहाँ पे मुझे मिल रहे BTS एडिशन की 15,000 रुपीज़। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेगुलर कलर की बर्ड्स प्लस के तो वो मुझे मिल रहे सिर्फ 11,000 के अंदर अंदर। और ये BTS एडिशन वाले फ़ोन और ये बर्ड्स प्लस यहाँ पे 10 जुलाई को इंडिया के अंदर सेल पर आने वाले हैं और ये नॉन चाइनीज ब्रांड है। और यहाँ पे फिफ्थ न्यूज़ आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब एक्सबॉक्स पर ध्यान दे रहे थे, प्लेस्टेशन 5 पर ध्यान दे रहे थे, तब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अपने नेक्स्ट जनरेशन कंसोल पर काम कर रहा था। और यहाँ पे धमाकेदार न्यूज़ ये भी है कि ये अगस्त के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे धमाकेदार न्यूज़ तो लग रही है, पर आपको क्या लगता है कि लॉन्च होने के बाद ये सुरसुरी ना हो जाए? और यहाँ पे सिक्स्थ न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A31 पर बड़ा सा डिस्काउंट अवेलेबल हुआ है। जी फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं कि ये फोन जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस थी 21,999 रुपीज़। पर यहाँ पे इंडिया के अंदर ये 1,000 रुपीज़ तक इसकी प्राइस कम हो चुके है। और यहाँ पे आपके पास अगर ICICI का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो और क्या ही चाहिए लाइफ के अंदर। यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा अगर आपके पास यहाँ पे ICICI का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होगा और आप यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हो तो जल्दी से जाइए और इसकी स्पेसिफिकेशंस चेक कर लीजिए। और यहाँ पे सेवंथ न्यूज आ रही है Z5 की तरफ से। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टिकटॉक बैन होते ही यहाँ पे उसके सिमिलर प्लेटफॉर्म के डाउनलोड्स बढ़ते जा रहे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रोपोसो, फिर मैं यहाँ पे बात करूँ चिंगारी एप्लीकेशन, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जिसके यहाँ पे डाउनलोड्स बढ़ते ही जा रहे। पर यहाँ पे Z5 टिकटॉक की तरह ही एक सिमिलर प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है जिसका नाम होगा हिप्पी या फिर हाईपाई, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि ये टिकटॉक जितना ग्रो करेगा? तो 8 न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 8 न्यूज़ आ रही है अमेज़न की तरफ से। जी फ्रेंड्स, आज तो 2 जुलाई है तो ऑलमोस्ट सभी की सैलरी अवेलेबल हो गई होगी। तो यहाँ पे अमेज़न यहाँ पे हमारे लेकर आया है वाव सैलरी डेज की सेल। जी फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं, वाव सैलरी डेज की सेल यहाँ पे लेकर आया है हमारे सैलरी खाली करने के लिए। कौन है ये लोग? कहाँ
कहाँ से आते हैं ये? और यहाँ पे अमेजोन पर बहुत ही बड़ी बड़ी डिस्काउंट भी अवेलेबल हो रहे हैं। अगर आपको कुछ लेना है तो जल्दी से जाकर अमेजोन को चेक कर लीजिए। और यहाँ पे नाइन्थ न्यूज की बात करें, नाइन्थ न्यूज आ रही है पोको की तरफ से। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे पोको का M2 Pro अवेलेबल होने वाला है 7 जुलाई को। पर यहाँ पे मुझे उसकी कई सारी स्पेसिफिकेशंस कुछ जानी पहचानी लग रहे हैं। उसका क्वाड कैमरा सेटअप मुझे यहाँ पे Redmi Note 9 Pro की तरह दिखाई दे रहा है। आई होप कि यहाँ पे ये रिब्रांड होकर ना आए। और यहाँ पे लास्ट न्यूज आ रही है पबजी की तरफ से। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे पबजी की बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाले, जिसका नाम है यहाँ पे स्पार्क द फ्लेम। और उसका यहाँ पे ट्रेलर भी अवेलेबल हो चुका है यूट्यूब के अंदर, आप जल्दी से सर्च करके जाकर देख लीजिए। और नीचे जाकर अच्छी अच्छी कमेंट कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना हो, वीडियो के बारे में कोई भी फीडबैक देना हो, आप दे सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए बस आज के लिए इतना। अगर आपको इसी तरह की वीडियो रेगुलर चाहिए तो नीचे दिए गए बटन को प्रेस कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पे साइड में दो एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ आपके लिए रखे, जल्दी से जाकर देख लीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए। आई विल कैच यू लेटर।